दोस्तों, सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी जानकारी के साथ। बने रहिए, देखते रहिए रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि थाना रेवसा इलाके में ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर, जिसमें बाइक सवार दो जख्मी, दोनों जख्मियों को रेवसा सीएचसी एम्बुलेंस से लाया गया, जहाँ पर दोनों को भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार जारी। वहीं पर एक की इलाज के दरमियान जान चली गई, दूसरा के इलाज जारी। मालूम हो कि जिला बहराइच के ग्राम थाना खैरी घाट के ग्राम चकैया निवासी अनूप शुक्ल पुत्र शिहाते शुक्ल, उम्र 25 वर्ष, और वहीं बरही पटन निवासी शिवकुमार पांडे पुत्र छटन पांडे, ये दोनों गत दिनों लखनऊ गए हुए थे। अनूप के चाचा शंकर शुक्ल पुत्र विश्वनाथ शुक्ल किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे लखनऊ में, जिनको देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ से वापस लौट रहे थे आज 24 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को, महमदाबाद और रेवसा मार्ग पर थाना थान गांव के गेट और जोगापुर स्कूल के मध्य रेवसा से महमदाबाद की तरफ जा रहा एक ट्रक दस्तैरे ने सामने से टक्कर दे दी, जिससे कि बाइक सवार दोनों अनूप शुक्ल और शिवकुमार पांडे दोनों जख्मी हो गए। अनूप का शिवकुमार मामा है, रिश्ते में लगता है, और वहीं पर दोनों जख्मियों को रेवसा से ऐसे लाया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के दौरान अनूप शुक्ल की सांसें थम गई। परिजनों को सूचना पुलिस के द्वारा दी गई, वहीं पर सूचना पर पहुंचे परिजन थाने में देकर तहरीर, रेवसा पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। आप देख सकते हैं चाचा लखनऊ में भर्ती अनूप का, जिसको बताया जा रहा है कि शरीर में सूजन होने से पहले से भर्ती है, वहाँ से देखकर वापस लौटते समय भतीजे की जान चली गई, ट्रक ने ले ली। कुछ तस्वीरें मौके की हैं, आप देख सकते हैं किस कदर से बाइक पे ट्रक का पहिया चढ़ा हुआ है, और एक हृदय विदारक घटना घट गई। शायद नहीं पता था कि जाने के बाद चाचा लखनऊ में और भतीजे की भी जान चली जाएगी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आप देख सकते हैं डॉक्टर दृश्य वर्मा जी से हम फिर एक बार अभी रूबरू होते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी जो थाना थान गांव क्षेत्र महमदाबाद रोड पर एक जोगापुर और थाना गेट के सामने एक ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई थी, जिसमें जख्मियों को बाइक सवार पर दो लोग जख्मी हुए थे, उनको भी रेवसा सीएचसी लाया गया था। वहीं पर अभी से जब बातचीत आपसे की गई थी तो खतरे से बाहर बताया गया था, लेकिन उनकी उसमें से एक अनूप की मौत हो चुकी है, इसकी ज़्यादा नाजुक हालत थी। अनूप कुमार शुक्ला और उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ सीएचसी लाया गया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसके बाद में अचानक तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हुई, ऑक्सीजन वगैरह भी लगाया गया, रेफर किया गया उसको, और बस थोड़ी देर में उसकी डेथ हो गई। अच्छा, शुरुआत में जब लाया गया था तो क्या ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, कहीं अंदरूनी चोट रही होगी, कहीं ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, ऊपर से कहीं कुछ लग नहीं रहा था, बोल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसका अटेंडेंट साथ में जो दूसरा था वो भी बातचीत कर रहा था, लेकिन अचानक वो कोलैप्स कर गया। अनूप है ये आपके कौन हैं? भतीजा। सगा भतीजा है जी। अच्छा, ये इसके पिताजी का क्या नाम है अनूप के? राम सिहाते। कहाँ घर है इसका? थाना खैरी घाट ग्राम सभा चकैया। अच्छा, ये कहाँ गए हुए थे? लखनऊ अपने चाचा की इलाज करा रही। अच्छा, उसके बाद कैसे हुआ एक्सीडेंट? वहाँ से वापस घर आए थे पैसे लेने, और रास्ते में ट्रक वाला ठोकर मार दी। अच्छा, कहाँ पे, किस रोड पे? तंबोर रोड, महमदाबाद वाले रोड पे। अच्छा, और साथ में कौन था? उनके मामा थे। अच्छा, मामा थे, क्या नाम है? नाम नहीं पता। अच्छा, सुकुमार। ये लड़का कहाँ का है जो साथ में है सुकुमार? खैरी बाजार का। अच्छा, थाना खैरी घाट। अच्छा, इनके भर्ती लखनऊ में कहाँ, कौन था अनूप का?
कोई हॉस्पिटल में भर्ती थे। अनूप के वो क्या लगते हैं? अच्छा अच्छा क्या नाम था उनका? छोटे लाल और दयाशंकर। किसके लड़के हैं दयाशंकर? विश्वनाथ से। विश्वनाथ शुक्ला हैं जी। अच्छा ये कहाँ के हैं विश्वनाथ? चकैया। चकैया उत्तर है।